बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर खान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, करियर काउंसलर, गाइड, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरापिस्ट, करंटली वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। आज हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम मौजू की तरफ बढ़ें, मेरी गुजारिश है कि पहले की तरह आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो बड़ी अहम डिबेट है और लोग जो हैं उनकी ज़ाती राय है, अभी भी लोग जो हैं उस पर कंट्रोवर्सी में मुबतला हैं। वो डिबेट है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के, दोनों में से कौन सा बेहतर है और दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो आज हम इसकी तरफ, बड़े अहम मौजू की तरफ जो है मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क का होना ज़रूरी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि हार्ड वर्क के बगैर कुछ भी नहीं होता। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में जो सबसे बड़ा फ़र्क है या फ़ायदा है वो ये है कि फिज़िक्स की ज़ुबान में, जो कि मैं फिज़िक्स का प्रोफेसर हूँ, वर्क को हम कहते हैं स्केलर, यानी हार्ड वर्क जो है वो किसी भी सिमत, किसी भी अमाउंट में, किसी भी डायरेक्शन में किया जा सकता है। लेकिन अगर वही हार्ड वर्क जो है उसको हम वेक्टर बना लें, यानी हार्ड वर्क जो है उसकी स्पेसिफिक और राइट डायरेक्शन में करें, तो वो जो है वेक्टर बन जाता है, और यही वेक्टर जो बनता है वो स्मार्ट वर्क कहलाता है, और ये बिल्कुल फॉलो करता है 20/80 रूल को। और इसमें फ़र्क क्या डालने वाली जो चीज़ है उसको हम कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। और स्मार्ट स्ट्रेटजी के अगर लफ्ज़ों पे गौर करें तो उससे बनता है, एस से बनता है स्पेसिफिक, एम से बनता है मेजरेबल, ए से बनता है अचीवेबल, आर से बनता है रियलिस्टिक, और टी से बनता है टाइम बाउंड। अगर हम दूसरे रेफरेंस के हवाले से देखें तो एस से बनता है सेल्फ, एम से बनता है मॉनिटरिंग, ए से बनता है एनालिसिस, और आर से बनता है रिपोर्टिंग, और टी से बनता है टेक्नोलॉजी बेस्ड, यानी एवेल्यूशन असेसमेंट के हवाले से भी वो स्पेसिफिक होगा और परफॉर्मेंस के हवाले से भी वो स्पेसिफिक होगा। इस तरीके से वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलेगा और स्पेसिफिक तरीके से काम करेगा। तो वो मुख्तसर हम ये कहेंगे कि वो हार्ड वर्क जो स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करता है वो स्मार्ट वर्क होता है, और जो स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करता वो हार्ड वर्क होता है। बेसिकली इनमें तमीज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सात ऐसे मैं पॉइंट का जिक्र करूँगा जिसमें आप इनसे आसानी में इन दोनों में आसानी से तमीज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो है स्मार्ट वर्क जो है ये ब्रेन फंक्शन होता है, जबकि हार्ड वर्क जो है वो बॉडी फंक्शन है। दूसरा अहम नुक्ता जो है कि स्मार्ट वर्क जो है ये मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, जबकि हार्ड वर्क जो है ये फिज़िकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तीसरा अहम नुक्ता यह है कि आपका जो स्मार्ट वर्क है इसकी जो अप्रोच है उसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच या प्रैग्मेटिक नेचर। इसका मतलब ये होता है एनवायरनमेंट बेस्ड, कि जिस किस्म के एनवायरनमेंट में काम करना है उसके मुताबिक वो काम किया जाता है, अपनी एक्सपेक्टेशन या इमेजिनेशन की बुनियाद पर नहीं। लेकिन हार्ड वर्क में ये काम जो है उसकी अप्रोच या उसकी नेचर जो है वो इमेजिनेटिव होती है, यानी वो इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है। चौथा अहम नुक्ता जो है वो है कि स्मार्ट वर्क जो है ये ईजीएस्ट अप्रोच को फॉलो करता है, जबकि हार्ड वर्क जो है ये डिफ़िकल्ट अप्रोच को फॉलो करता है। पांचवा अहम नुक्ता ये है कि हमारा स्मार्ट वर्क जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसको सिंपलसिटी में बदलने की सलाहियत रखता है, जबकि हार्ड वर्क जो है ये उसकी उल्ट है, ये सिंपलसिटी को भी कॉम्प्लेक्सिटी में बदल देता है। छठा नुक्ता जो हम इसको ज़हन में रखते हैं, इनको ज़हन में तमीज़ करने के लिए, वो है कास्ट इफ़ेक्टिव और वैल्यू एडिशन। स्मार्ट वर्क जो है वो कास्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, यानी उसमें टाइम भी कम इस्तेमाल होता है, एनर्जी भी कम इस्तेमाल होती है, लेकिन आउटकम जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। जैसा कि मैंने 20/80 की बात की थी कि 20% आपको मेहनत करनी पड़ती है और 80% आपको रिवार्ड मिलता है, जबकि हार्ड वर्क जो है ना ही वो कास्ट इफ़ेक्टिव है और ना ही कोई वैल्यू एडिशन करता है। सातवां और आखिरी पॉइंट जो है वो यह है कि जो स्मार्ट वर्क है उसमें सक्सेस और ऑनर जो है वो ग्रांटेड होती है, यानी यकीनी है, जबकि हार्ड वर्क जो है
उसमें सक्सेस और ऑनर जो है वो अनसर्टन है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो ये इनमें तमीज़ है। अब दोनों में से किसको हम प्रेफर करेंगे, वो पहले जो मैंने कहा है ये बहुत मुश्किल है कि दोनों में से हम किसको प्रेफर करें। यह डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में या टारगेट में या जो टाइम आपको दिया गया है उसमें। अगर सिचुएशन की डिमांड जो है वो हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क बेहतर है, अगर सिचुएशन की डिमांड जो है वो स्मार्ट वर्क है तो स्मार्ट वर्क बेहतर है। सिचुएशन के हवाले से हम इनका फैसला करते हैं। इसके बारे में बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, लेकिन एक स्टोरी जो सादा आमतौर पर बयान की जा सकती है क्योंकि टाइम की कमी है, वो ये है कि दो भाई होते हैं, उनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, वो अपने कुल्हाड़े खरीद लेते हैं और दरख्त में जाके जब वो टहनियाँ काटते हैं, एक भाई जो है उसमें दरख्त काटने की सलाहियत जो दिन ब दिन कम होती जाती है, जबकि दूसरा जो है उसके दरख्त काटने की सलाहियत जो है दिन ब दिन डबल होती जाती है। तो जब दोनों का एनालिसिस किया गया तो पहला भाई जो था ना वो ख़ास तकनीक इस्तेमाल कर रहा था और ना ही अपनी कुल्हाड़ी को रोज़ाना तेज़ करता था, जबकि दूसरा भाई जो है वो कुल्हाड़ी को भी रोज़ाना तेज़ करता था दरख्त काटने से पहले, और स्पेसिफिक जो तकनीक इस्तेमाल करता था कि दरख्त जिस तरह मुड़े होते हैं उसको ऊपर से काटता था। उसका फ़ायदा ये होता था कि जब 20% उस दरख्त को काटता था, 80% ग्रेविटी के हवाले से दरख्त खुद ही टूट के नीचे पड़ जाता था। तो पहला भाई जो है वो हार्ड वर्क कर रहा था, दूसरा स्मार्ट वर्क कर रहा था, इसलिए पहले का जो है वो कारोबार जल्दी बैठ गया, जबकि दूसरा जो है मार्केट में ग्रो कर गया। मुझे उम्मीद है ये चंद बातें जो मैंने की हैं इसमें मैं कामयाब हुआ हूँ उसकी डेफिनेशन स्मार्ट और हार्ड वर्क की करने में, उन्हें डिफरेंशिएट करने में भी, और प्रेफरेंस किस चीज़ पे हम बिनाज में करते हैं। इस वक्त तक इस पर आप इसको इसके बारे में कोई सवाल हों, इसके बारे में क्यूरीज हों, इसके ऊपर तनकीद करना चाहें, मुझे आपके मशीन मशीनों का इंतज़ार रहेगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।